गाइज, अगर आपकी फ्री फायर की आईडी बैन हो गई है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फ्री फायर की आईडी जो है अनबैन हो जाएगी। भाई अभी तक देखो बहुत सारे भाई लोगों की आईडी मैंने अनबैन कराई है। भाई आप लोगों को भरोसा रखना होगा कि आप लोगों की आईडी भी अनबैन हो जाएगी। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, जब आप इस वीडियो पर आए हो तो आपकी आईडी से लेकर आपको कुछ अच्छी बात पता चलेगी, तो आपकी आईडी जो है अनबैन भी हो जाएगी। मेरे को पता यार यूट्यूब पर भाई अभी तक आप लोगों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया होगा, क्योंकि यार आप लोगों ने बहुत सारी उल्टी सीधी वीडियो देख ली होंगी जहाँ पर भाई वो लोग आपसे कुछ फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, एंड देन भाई कुछ बंदे तो आपसे भाई पैसों की डिमांड भी करते हैं। भाई मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा स्कैम बहुत बार हो चुका होगा, लेकिन भाई इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में एकदम भाई फेथफुल एकदम बढ़िया चीज है, एंड मैं आपको बिल्कुल रियल ट्रिक बताऊंगा यार, जिससे आपकी आईडी के साथ सच में कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसकी वजह से आपकी आईडी जो है अनबैन हो जाएगी। लेकिन यार उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई अगर आप लोगों को आईडी अनबैन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर कमेंट सेक्शन में आप बहुत कम बंदों का रिप्लाई दे पाता हूं, तो आप लोग प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस आईडी अनबैन करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को चेक कर लेना कि आपकी आईडी बैन हुई भी है कि नहीं। आप लोगों को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना फ्री फायर आईडी चेकर। गाइस यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद सिंपली पहला वेबसाइट ऐसा कुछ आ जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर अपना एक इंटरफेस दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको अपनी यूआईडी डाल देनी है। भाई ये जो यूआईडी आपको यहाँ पर डालनी है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी आईडी यहाँ पर कोई हैक लगाया आपने या नहीं लगाया, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर सिंपली सर्च करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, अगर देखो आप लोगों ने ऐसे हैक लगाया होगा तो ऐसा करके कुछ लिखा आ जाएगा, वरना भाई ये लिख के आ जाएगा कि आपकी आईडी बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई देखो अगर आपको पता नहीं होगा ना कि आपकी आईडी बैन क्यों हुई है क्यों नहीं हुई है, तो भाई आप लोग सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, एंड भाई आप लोग फिर अपनी आईडी को लेकर कंफ्यूज रहो कि हमारी आईडी इस वजह से बैन हुई है उस वजह से बैन रही है। बट यहाँ पर जाने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपकी आईडी सच में किस वजह से बैन हुई है। फिर गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आपको मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर चले आना है। देन आप लोग यहाँ पर देखोगे मैंने अपने हाईलाइट सेक्शन में यहाँ पर एक चीज दे रखी होगी, भाई ऐसे फॉर्म करके कुछ दे रखा है, चिंता मत लो भाई ये वाला फॉर्म नहीं है। देन आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आप लोगों को जाना भाई प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन टेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च करना है, पहले ऑप्शन पर ही भाई आ जाएगा, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। भाई इस एप्लीकेशन में आपको वाला जो स्क्रीनशॉट है जो आपने लिया है इसको इंपोर्ट करने के बाद क्रॉप करके कुछ ऐसे करके कर देना है। भाई क्रॉप करके सिंपली वहां पर डन कर देना है, जितने एरिया में टेक्स्ट है उतने को ही रखना है। भाई ये वाली एप्लीकेशन क्या करती है, आपके स्क्रीनशॉट में जितने भी टेक्स्ट होते हैं ना भाई उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और फिर आपको जो वो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेना है। देन आपको सिंपली भाई एक जीमेल कंपोज करना है, भाई फ्री फायर के ऑफिशियल मेल पे एक मेल सेंड करना है, एंड भाई वो जीमेल में आपको अभी बता देता हूं कौन सा। आपको सिंपली भाई अपने जीमेल एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, एंड भाई देन आप लोग यहां पर कंपोज के बटन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो जीमेल डालने के लिए आ रहा है इसको ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर डालना freefire@gmail.com। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपको डालना आईडी अनबैन। देन भाई नीचे आपको जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, एंड नीचे यूआईडी लिखकर भाई जो आपकी यूआईडी बैन हुई है ना, आपकी आईडी जो बैन हुई है वाली यूआईडी डाल देनी है, एंड सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। भाई देखो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको 2-3 दिन का टाइम कम से कम लग जाता है। अगर फ्री फायर का आपके पास रिप्लाई आ गया तो समझ लो आपकी आईडी जो है अनबैन हो गई है। बट अगर फ्री फायर वालों का रिप्लाई नहीं आया तो भाई इसका मतलब है आपकी आईडी जो है अभी के लिए अनबैन नहीं करी जाएगी। और भाई इस तरीके से ना आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत सारे बंदों के लगभग यहाँ पर आईडी अनबैन कराई है, और अगर आपकी आईडी अनबैन नहीं होती है ना तो भाई आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि यार फ्री फायर के अकॉर्डिंग भाई OB39 अपडेट के बाद बहुत सारी आईडी जो है यहाँ पर अनबैन कराई जाएंगी। एंड भाई जैसी उस चीज से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर चीज मेरे को पता चलती है, आप अपडेट आने तक तैयार रहो भाई, बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसी कोई आईडी अनबैन की यहाँ पर कोई न्यू ट्रिक वगैरह मेरे को पता चलेगी, मैं आपको भाई तुरंत वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तब तक के लिए भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू वॉचिंग इट गाइस।